मुरादाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा के सराहनीय कार्य को लेकर शुक्रवार को ग्रामीण संगठनों ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर उन्हें फूलों की माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर रोजगार सेवक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष सतीश कुमार सहित क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान, ग्राम रोजगार आदि संगठन के लोग उपस्थित रहे। स्वागत समारोह में बताया गया कि 6 माह पहले थाना पागोड़ा क्षेत्र में रिजवान की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। 3 माह पहले मेनाठेड़ थाना क्षेत्र में चांद की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी और मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में नमन गुप्ता की गला घोटकर हत्या कर उसकी ई रिक्शा मोबाइल छीन कर उसे कुएं में फेंक दिया गया था। इन सभी घटनाओं का खुलासा करने में एसएसपी का सराहनीय कार्य रहा। इसी उपलक्ष में जिले के लोकप्रिय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा का स्वागत किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में कई संगठनों के लोग उपस्थित रहे। ब्लॉक अध्यक्ष ब्लॉक मुंडा पांडे से स्वागत समारोह हुआ है। कहाँ पर आए लोग, कहाँ से आए और कहाँ पर आए? यहाँ तो सभी संगठन के लोग, क्षेत्र पंचायत संगठन, ग्राम प्रधान संगठन, ग्राम रोजगार सेवक संगठन के लोग यहाँ हमारे जो जिले के लोकप्रिय प्रधान हेमराज मीणा का स्वागत एवं बधाई देने आए थे, उनका फूल माला से स्वागत किया। क्योंकि अभी 6 माह पहले थाना पागोड़ा रिजवान की गला रेत कर हत्या कर दी थी। 3 माह पहले मैनाठेड़ थाने में चांद की गला रेत कर हत्या कर दी थी और अभी 7 तारीख को ग्राम सरकड़ा थाना मुंडा पांडे में नमन गुप्ता को गला घोट कर, गला काट कर चाकू से और उसकी ई रिक्शा छीन कर उसका मोबाइल लूट कर उसे कुएं में डाल दिया था। तो उस चैन किलिंग का पूरा हमारे कप्तान सामने घटना का पर्दाफाश किया है। इसमें हमारे कप्तान साहब एवं मुंडा पांडे के थाना इंचार्ज भी बधाई के पात्र हैं। तो हमारा पूरा संगठन जो इनका स्वागत एवं माल्यार्पण स्वागत किया। धन्यवाद।